आज है आमिर खान की बेटी आयरा खान का वेडिंग रिसेप्शन। पार्टी में शामिल होने वाले हैं कई सारे वीवीआईपी मेहमान। मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर में है ये इवेंट। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग कार्ड हुआ लीक, सामने आई सारी डिटेल्स। हम आपको बता दें कि कार्ड के मुताबिक जामनगर में 1 से लेकर 3 मार्च तक होगा प्री वेडिंग सेलिब्रेशन। सरोगेसी को लेकर करण जौहर ने किया बड़ा खुलासा। उन्होंने कहा कि उन्होंने 40 साल की उम्र में सरोगेसी का प्लान कर लिया था। रिपोर्टेडली करण ने कहा, माँ ने पूछा शादी नहीं करना तो जीवन में आगे क्या करना है, मैंने कहा था कि मैं अपने बच्चे चाहता हूँ। माँ खुश हुई थी। कटरीना कैफ और विजय सेतुपति की फिल्म मैरी क्रिसमस के पहले दिन की कमाई आई सामने। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलीज के पहले दिन तकरीबन 2.55 करोड़ के लगभग रही फिल्म की कमाई। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वीकेंड पर कितना कमाल दिखा पाती है ये फिल्म। रिपोर्टेडली अपने मोस्ट पॉपुलर शो नो फिल्टर नेहा के सीजन 6 को लेकर आ रही है नेहा धूपिया। खबर यह है कि पहले एपिसोड में टाइगर श्रॉफ और अनन्या पांडे होंगे उनके गेस्ट्स। राधिका आप्टे को मुंबई एयर ब्रिज पर किया गया लॉक। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। पोस्ट में उन्होंने ये भी लिखा कि सुरक्षा कर्मी गेट नहीं खोल रहे हैं और वहां पर पानी और शौचालय की सुविधा भी नहीं है। साफ तौर पर दिख रहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी से किस कदर नाराज है एक्ट्रेस। जोरम के ऑस्कर्स की लाइब्रेरी में शामिल होने पर बड़ा बयान दिया है मनोज वाजपेयी ने। रिपोर्टेडली इस बात पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा, मैं स्वीकार्यता के लिए काम नहीं करता, मैं काम करता हूँ क्योंकि यही करना चाहता था और इसी के लिए जुनूनी हूँ। दिग्गज शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे जी का आज हो गया दुखद निधन। हम आपको बता दें कि प्रभा जी को 3 पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं। रिपोर्टेडली हार्ट अटैक के कारण उन्होंने दुनिया को कहा अलविदा। अपने बेटे को लेकर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया इमरान हाशमी ने। आपको बताते चले कि 10 साल पहले उनके बेटे अयान को हुआ था कैंसर, जिससे वो अब पूरी तरह उभर चुके हैं। इसी को लेकर अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर इमोशनल कैप्शन लिखा इमरान हाशमी ने। आप भी डालें एक नज़र। हुमा कुरैशी की वेब सीरीज महारानी पर भड़के नेता उमर अब्दुल्ला। बताते चले कि महारानी की शूटिंग जम्मू कश्मीर के विधानसभा परिसर में की गई थी। इसी को लेकर उमर अब्दुल्ला ने इसकी आलोचना की। आप भी एक नजर डालें कि क्या कहा उमर ने। अब इसके बाद डायरेक्टर हंसल मेहता ने उन्हें करारा जवाब दिया है। देखिए क्या लिखा हंसल मेहता ने।